Hello everyone, I am Param and welcome to my YouTube channel Raman Steno Classes. आज हम हाफिंग प्रिंसिपल टॉपिक डिस्कस करेंगे. हाफिंग प्रिंसिपल में आपको दो सेक्शंस पढ़ने हैं. आज सिर्फ फर्स्ट सेक्शन हमें डिस्कस करना है. सो लेट सी जनरल रूल क्या है. हाफिंग अ स्टॉक in the length indicates the addition of T or D. okay, जो 26 strokes हमने पढ़े हैं उनमें से किसी भी stroke को जब आप half करते हो तो वो addition indicate करता है किसकी, टी की या फिर डी की. उसमें टी जुड़ा हुआ होगा या फिर डी जुड़ा हुआ होगा जब भी आप किसी स्ट्रोक को हाफ कर कर लिखते हैं. ओके, दिस इज द जनरल रूल. फर्दर रूल्स अभी आपको पढ़ने हैं. क्या है हाफिंग? फोर आइदर टी और डी, दोनों में से किसी के लिए भी हाफ किया जा सकता है. कब किया जा सकता है? अ स्ट्रोक हैविंग अ फाइनल हुक और ए जॉइंट डिप्थोंग मे बी halved for either T or D. okay, क्या है इस पॉइंट में? जहां पर किसी स्ट्रोक के साथ फाइनल हुक होगी या ज्वाइंट डिप्थोंग होगा उस केस में स्ट्रोक हाफ किया जा सकता है T या D किसी के लिए भी. okay, फिर से मैं रिपीट कर देती हूं. पॉइंट में है जहां पर किसी स्ट्रोक के साथ फाइनल हुक होगी या फिर जॉइंट डिप्थोंग होगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो उस केस में स्ट्रोक को हाफ किया जा सकता है टी या डी दोनों में से किसी के लिए भी. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको वर्ड लिखना है पेव, किस तरह से लिख सकते हैं? पी एंड वी. ओके, सिंपली लिखा जा सकता है. यहां पर क्या है? फाइनल हुक है, हमारी एक कंडीशन पूरी हो रही है. अगर आपको वर्ड लिखना है अब यहां पर पेव्ड, यहां पर आपको डी की एडिशन भी करनी है तो किस तरह से करोगे? अब यहां पर आप पी को हाफ करते हुए लिखेंगे इस तरह से पी एंड वी. इसमें क्या हो गया है? डी की एडिशन हो गई है. ओके, आपने हाफ किया है पी को, देन डी की एडिशन हो चुकी है इसमें. ओके, और देख लीजिए अगर आपको वर्ड लिखना है टेन, नॉर्मली लिखेंगे हम, यहां पर भी फाइनल हुक है, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसे नॉर्मली हम लिख सकते हैं टी ई एंड एन की हुक लगाते हुए. बट अगर आपको लिखना है वर्ड टेंट तो यहां पर क्या करना है? अभी आपको टी की एडिशन करनी है, जिस तरह से पेव्ड में आपने डी की एडिशन की थी तो क्या करेंगे? फिर से हाफ करते हुए टी को लिखेंगे टी एंड एन, ई के वॉवल को लगाएंगे, टी इसमें ऐड हो चुका है. ओके, आपने हाफ किया है स्ट्रोक को, इसमें टी ऐड हो चुका है. ओके, और देख लीजिए अगर आपको वर्ड लिखना है फ्यू, किस तरह से लिखेंगे? एफ एंड यू. बट अगर आपको लिखना है वर्ड फ्यूड, F एंड U, हाफ किया फिर से आपने F को, इसमें D ऐड हो चुका है. ओके स्टूडेंट्स, अगर लिखना है प्राओ, P के साथ R की हुक लिखेंगे एंड आओ, यहां पर क्या है आपका डिप्थोंग ऐड है इस वर्ड में. अगर आपको लिखना है वर्ड प्राउड, यहां पर किस तरह से लिखेंगे? हाफ करते हुए P को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. क्या है हाफिंग फॉर टी ओनली?
ओके इस पॉइंट में हमने क्या किया है, हम हाफ कर सकते हैं टी के लिए या डी के लिए, दोनों में से किसी के लिए भी हाफ कर सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं किस केस में सिर्फ टी के लिए हाफ होगा। इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल लाइट स्ट्रोक्स विदाउट ए फाइनल हुक और ए डिप्थोंग आर हाफ्ड फोर टी ओनली। क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में, जो भी लाइट स्ट्रोक्स होंगे एंड बिना फाइनल हुक के होंगे या बिना जॉइंट डिप्थोंग के होंगे, उन्हें हाफ किया जाएगा किसके लिए, सिर्फ टी के लिए। ओके लाइट स्ट्रोक्स होंगे जितने भी विदाउट एनी फाइनल हुक या फिर डिप्थोंग, उन्हें हाफ किया जाएगा ओनली फॉर टी। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर वर्ड लिखना है आपको प्ले, नॉर्मली लिख सकते हैं पी के साथ एल की हुक एंड ए के वॉवल को प्लेस करेंगे प्ले। बट अगर आपको लिखना है प्लेट, यहां पर क्या है, ना ही फाइनल हुक है एंड ना ही डिप्थोंग है, यहां पर हमारे पास बिगनिंग की हुक है। ओके वो कंडीशन में नहीं है। अगर लिखना है वर्ड प्लेट, इसे हाफ करेंगे पी के साथ एल की हुक एंड पी को हाफ करते हुए लिखेंगे, ए के वॉवल को प्लेस करेंगे प्लेट। ओके बट अगर आपको लिखना हो वर्ड प्लेड, अब यहां पर क्या है, अब आप पी के साथ एल की हुक ज्वाइन करते हुए डी को इंडिकेट करने के लिए आप हाफ नहीं कर सकते हैं, यहां पर आपको डी फुल स्ट्रोक लिखना होगा, बिकॉज यहां पर इस वर्ड में कोई फाइनल हुक नहीं है, इंस्टेड क्या है, बिगनिंग हुक है। ओके तो किस तरह से लिखेंगे, पी के साथ एल की हुक एंड डी को आप यूज करते हुए प्लेड की आउटलाइन क्रिएट करेंगे। ओके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाफिंग फोर डी ओनली, सिर्फ डी के लिए हाफ आपको किन केसेस में करना है। इन वर्ड्स ऑफ वन सिलेबल हैवी स्ट्रोक्स विदाउट अ फाइनल हुक और अ जॉइंट डिप्थोंग आर हाफ्ड फोर डी ओनली। ओके स्टूडेंट्स, क्या है इसमें, इस पॉइंट में है कि जो डार्क स्ट्रोक्स होंगे, हैवी स्ट्रोक्स होंगे या डार्क कह सकते हैं, हैवी स्ट्रोक्स होंगे या डार्क स्ट्रोक्स होंगे विदाउट फाइनल हुक के या फिर जॉइंट डिप्थ, उन्हें हाफ करेंगे आप सिर्फ डी के लिए। ओके किस तरह से, एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको वर्ड लिखना है ब्रे, तो किस तरह से लिख सकते हैं, बी के साथ आर की हुक एंड ए के वॉवल को प्लेस करेंगे ब्रे। ओके अगर आपको वर्ड लिखना है ब्रेड, बी को हाफ करते हुए इस तरह से लिख सकते हैं ब्रेड। बट अब अगर आपको वर्ड लिखना है ब्राइट, तो यहां पर क्या है, हैवी स्ट्रोक के साथ आपको लाइट स्ट्रोक जोड़कर लिखना है, तो आपको यहां पर क्या करना होगा, कंप्लीट आउटलाइन क्रिएट करनी है इस तरह से, बी के साथ आर की हुक एम्प्लॉय करते हुए टी, ब्राइट। ओके
नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, वोकलाइजिंग हाफ लेंथ फॉर्म्स वोवल साइंस टू हाफ लेंथ फॉर्म्स आर रीड नेक्स्ट टू द प्राइमरी स्ट्रोक्स. क्या है इस पॉइंट में कि जो वोवल साइंस हैं आप प्राइमरी स्ट्रोक के बाद ही रीड करोगे. ओके, किस तरह से, एग्जाम्पल से क्लियर होगा. अगर हमें वर्ड लिखना है फाई, तो इसे तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं अबव द लाइन एफ एंड आई के वोवल को प्लेस करेंगे फाई. बट अगर आपको लिखना है वर्ड फाइट, किस तरह से लिखेंगे, एफ को हाफ करते हुए एंड आई, जो हाफ लेंथ है एफ की उसी के अंदर क्या है, टी की एडिशन हो चुकी है. ओके, अब इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो वॉवल्स आप इंडिकेट कर रहे हैं उसे आप प्राइमरी स्ट्रोक के बाद ही रीड करेंगे. ओके, नेक्स्ट टू द प्राइमरी स्ट्रोक, प्राइमरी स्ट्रोक के बाद एकदम से आपको रीड करना है, देन जो एडिशन हुई है टी की या डी की वो आपको वॉवल के बाद में पढ़नी है. ओके स्टूडेंट्स, किस तरह से एफ आई देन टी फाइट. अगर लिखना है वर्ड ऑफ, किस तरह से लिखेंगे अबव द लाइन एफ एंड ओ के वॉवल को प्लेस करेंगे. बट अगर लिखना है वर्ड ऑफ्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्कल एज फॉलोइंग हाफ लेंथ फॉर्म्स. ओके, सर्कल एज एट द एंड ऑफ ए हाफ लेंथ फॉर्म इज रीड आफ्टर द टी और डी इंडिकेटिंग बाय हाफिंग द स्ट्रोक. ओके, क्या है स्टूडेंट्स इस पॉइंट में, कि आपको जब सर्कल एस अटैच करना है किसी भी हाफ किए हुए स्ट्रोक के साथ में, तो क्या करेंगे आप उस सर्कल को एंड में रीड करेंगे. ओके, किस तरह से, अगर आपको वर्ड लिखना है कोट, इस तरह से लिखेंगे के ऑन द लाइन एंड ओ के वॉवल को प्लेस करेंगे, हाफ करेंगे के को टी की इंडिकेशन के लिए. ओके, अगर आपको वर्ड लिखना है यही कोट्स, क्या करेंगे के साथ हाफ करते हुए एंड सर्कल एस एम्प्लॉय करेंगे. इसके बाद आप पढ़ेंगे के, ओ के वॉवल को पढ़ेंगे टी पढ़ेंगे, देन सबसे बाद में पढ़ेंगे आप एस के सर्कल को. ओके, इस तरह से कोट्स. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाफ लेंथ एच हाफ लेंथ एच व्हेन नॉट जॉइंड टू अनदर स्ट्रोक is always written upward. Okay, क्या है पॉइंट में,
कि जब भी आपको एच को हाफ करते हुए लिखना है, किस केस में, जब किसी और स्ट्रोक के साथ आपको जोड़कर नहीं लिखना है एच, उस केस में इज ऑलवेज रिटन अपवर्ड, हमेशा आप कैसे लिखेंगे, अपवर्ड लिखते हुए एच की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल हाइट, हे एंड आई, इसको हमने हाफ किया, इसमें क्या इंडिकेशन हो गया है, टी ऐड हो गया है. ओके अगर वर्ड लिखना है आपको हाइट्स, हे हाफ करेंगे, टी एस हाइट्स. ओके अगर लिखना है वर्ड हंट, किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से. अगर लिखना है वर्ड हंट्स, इस तरह से. ओके नेक्स्ट पॉइंट, हैविंग प्रिंसिपल नॉट एम्प्लॉयड, क्या पढ़ना है अभी आपको, किन किन केसेस में हाफिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉय नहीं होता है, नहीं यूज होता है, नहीं आपको यूज करना है. ओके द हाफिंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा. किस केस में, फर्स्ट केस तो है इन वर्ड्स व्हेन अ वॉवल फॉलोज फाइनल टी और डी बिकॉज अ फाइनल वॉवल रिक्वायर्स a final stroke. Okay, first case तो है कि जब कोई vowel follow करता है t को या फिर d को, उस case में आपको half नहीं करना है t के लिए या d के लिए किसी भी stroke को, बल्कि आपको क्या करना है, full outline draw करनी है. क्यों? ताकि हम vowel को placement दे सकें, ठीक है, किसी स्ट्रोक के साथ, बिकॉज फाइनल वॉवल, अ फाइनल वॉवल रिक्वायर्स अ फाइनल स्ट्रोक. ओके फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वर्ड लिखना है पिट, तो नॉर्मली इसको आप लिख सकते हैं पी को हाफ करते हुए एंड आई, ये तो नॉर्मल केस हो गया. बट अगर जहां पर वॉवल आ जाता है टी के बाद या डी के बाद, जैसे पिटी, क्या करेंगे आप, कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, पी आई टी आई, पिटी. ओके अगर वर्ड लिखना है आपको ग्रीड, नॉर्मल केस हो जाएगा, हाफ करते हुए लिखा जा सकता है, गे के साथ आर की हुक एंड आई, ई ग्रीड. अगर आपको वर्ड लिखना है ग्रीडी, तो यहां पर क्या करेंगे, कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से. ओके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और कहां पर नहीं होगा हाफिंग प्रिंसिपल यूज, इसमें सेकंड पॉइंट है आपका, वेयर मोर डिस्टिंक्टिव आउटलाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ द स्ट्रोक टी और डी. ओके कई सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जहां पर आउटलाइन क्रिएट की ही नहीं जा सकती है यूज किए हुए, बिना यूज किए हुए टी का या फिर डी का. सो उस केस में भी मुश्किल हो जाता है कि आप हाफ करते हुए किसी आउटलाइन को क्रिएट कर सको टी या डी की एडिशन के लिए. ओके वहां पर क्या करना है आपको, कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड लिखना है आपको सेक्रेड,
क्या करेंगे, इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ करेंगे. ओके, बट अगर लिखना है आपको सीक्रेट, तो इसे आप हाफ करते हुए लिख सकते हैं इस तरह से. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, और कहां पर हाफिंग प्रिंसिपल इंप्लाय नहीं होगा, हाफ लेंथ रे. ओके, रे स्ट्रॉक हमने इस तरह से पढ़ा है. बोला गया है कि रे को आप हाफ करते हुए यूज नहीं कर सकते. क्यों? जब आपको स्ट्रॉक रे में टी या सर्कल एस ऐड करना है, तो इसे आप लेंथ हाफ करके नहीं लिखोगे, बल्कि स्ट्रॉक टी यूज करेंगे. इसका रीजन ये है कि क्लैशिंग ना हो आर टी या ग्रामलॉग्स के साइन जो हमने एंड या शुड पढ़े हैं उनके बीच में. ओके, किस तरह से, अगर आप ऑन द लाइन हाफ करते हुए रे को इस तरह से लिखते हैं, या अबव द लाइन इस तरह से लिखते हैं हाफ करते हुए, इस तरह से हमने शुड भी पढ़ा है, इस तरह से हमने एंड भी पढ़ा है. तो इसलिए बोला गया है कि आप यहाँ पर हाफिंग प्रिंसिपल इम्प्लॉय मत करें, क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है रिकग्निशन में, पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि हमने ये आर के साथ हाफ करते हुए किसी आउटलाइन को ड्रॉ किया है या फिर हमने ग्राम लॉक्स को लिखा है. ओके, सो क्या बोला गया है इस केस में, कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करनी है. ओके, किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर आपको वर्ड लिखना है राइट, रे एंड टी, आई के वॉवल को प्लेस करेंगे, इस तरह से आप राइट को नहीं लिखेंगे. ओके, ये गलत हो जाएगा. ओके, अगर आपको वर्ड लिखना है राइट्स, क्या करेंगे, रे टी एंड एस. ओके, एक एक्सेप्शन है इसमें, जब आप हुक एन के साथ सर्कल एस या हुक एफ वी के साथ सर्कल एस जोड़ते हुए लिखते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आर को हाफ करके लिख सकते हो. क्या एक्सेप्शन है इस रूल की, हुक एन या फिर इसमें आपको ऐड करना है सर्कल एस. ओके, या फिर एफ वी की हुक के साथ हुक एफ वी, और इसमें आपको ऐड करना है सर्कल एस. इन दोनों केसेस में आप यूज कर सकते हैं हाफ लेंथ, किसके लिए, रे के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको वर्ड लिखना है रेंट्स, ठीक है, अब यहां पर क्या है, एन आया है, इसमें हम हुक यूज कर सकते हैं एन के लिए, एंड एस भी हमें यूज करना है, सर्कल एस आया हुआ है, तो किस तरह से लिख सकते हैं हम इसे, रे एन टी एस, रेंट्स. ओके, और अगर आपको लिखना है वर्ड रिफ्ट्स, ये दूसरे वाला केस हो गया, किस तरह से लिख सकते हैं, रे हुक एफ के लिए एंड एस. ओके स्टूडेंट्स, इन्हें सेफली लिखा जा सकता है. किस केस में, जब आपको रे के साथ हुक एन यूज करनी है, या हुक एफ वी यूज करनी है, या फिर इनके साथ आपको सर्कल एस भी यूज करना है. ओके, इस केस पे लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या है आज के लिए, पोजीशन आप देखेंगे हाफ लेंथ फॉर्म्स की. ओके, अपवर्ड और डाउनवर्ड हाफ लेंथ कैरेक्टर्स मस्ट नॉट बी रिटन थ्रू द लाइन, मस्ट नॉट बी रिटन थ्रू द लाइन. कौन से स्ट्रॉक्स, अपवर्ड और डाउनवर्ड. ओके, बाकी पोजीशंस सेम रहेंगी फॉर द फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस. ओके, थर्ड प्लेस के केस में आपको ध्यान रखना है कि इसे हम थ्रू द लाइन नहीं लिखते हैं, जब भी आपको हाफ करते हुए स्ट्रॉक लिखना है.
ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक द हाफिंग प्रिंसिपल. होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा. एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल रमन स्टेनो क्लासेस. एंड फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन. यू मे आस्क फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी बाय डूइंग कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. गुड लक.